Hi dear students, so we are going to discuss this question from rotational motion which came in JEE Advanced paper 1 physics in the year 2018. The question is fairly simple and I believe most of the students would have done this quite comfortably. So let's see what's happening over here. There's an inclined plane with an inclination of angle 60 degrees. There are two bodies, a disc and a ring, which are kept side by side. तो बेसिकली यहाँ पे यू कैन सी अ बॉडी, तो इसके एक जस्ट पैरेलल एक उस साइड पे एक बॉडी रखी होगी. सो वन ऑफ देम इज अ डिस्क एंड अदर इज अ रिंग ऑफ रेडियस व्हिच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ इट इज गिवन कि बोथ ऑफ देम आर रिलीज्ड एट द सेम टाइम एट टी इक्वल्स टू जीरो एंड दे रीच द बॉटम विद अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 - √3/√10. दैट मीन्स कि जो बॉडी जैसे रिंग बाद में पहुंचेगी और डिस्क पहले पहुंचेगी, ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट वी विल बी एबल टू डिड्यूस दिस. तो रिंग का टाइम माइनस डिस्क का टाइम, जो नीचे पहुंचने का टाइम है, उसका डिफरेंस ये दिया गया है ना. एंड यूजिंग दिस डेटा वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन एंड प्योर रोलिंग की कंडीशन भी अज्यूम करनी है. ओके, नाउ इन दिस केस द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ डिस्क और एनी रिंग और फॉर दैट मैटर एनी बॉडी विच इज ऑफ राउंड शेप्ड एंड इज रोलिंग प्योरली, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है That is given by a equals to g sin theta. मतलब ये सेंटर का एक्सेलेशन होता है ac g sin theta divided by 1 plus moment of inertia upon mr square. ये होता है. ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया? I will prove this expression in the last of the video. वीडियो के लास्ट में मैं प्रूफ भी करूँगा. But I always advise my students to remember this expression because this can be used directly in many questions. तो इसलिए इसको याद रखना, इट इज वेरी गुड रिजल्ट. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज आई? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास. एम आर स्क्वायर इज द एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द बॉडी. जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. थीटा इज दिस एंगल. ठीक है, तो सी इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दिस डायरेक्शन. तो फॉर द टाइम बींग यू कैन अज्यूम दिस रिजल्ट टू बी ट्रू, विच वी विल डिराइव एनी वे एट द इन द लास्ट ऑफ द वीडियो. तो अभी के लिए इसको सही मान लेते हैं. तो एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग जो होगा वो आ जाएगा g sin थीटा डिवाइड बाय 1 + 1, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट सेंटर इज mr स्क्वायर ओनली. तो ये फैक्टर 1 बन जाएगा, हेंस दिस विल बिकम g sin थीटा अपॉन 2. ओके, फिर सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क जो है दैट विल बिकम g sin थीटा अपॉन 1 + 1/2, दैट मींस 3/2, तो ये 2/3 हो जाएगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का हाफ mr स्क्वायर होता है. So this will become 2g sin theta by 3, right? Now you can see ki acceleration of disk is more than acceleration of ring. Hence, disk will reach earlier than ring. That is why I was saying ki ring baad mein pahunchegi. Ye cheez deducible thi is question mein. Theek hai? Bas, ab we know that agar is distance ko thodi der ke liye apan L bolein, L. To L ki value half AT square boli ja sakti hai. Hai na? Which implies time की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ 2L/A. ठीक है, अब what we are going to do, just we will write the time of both and we will take the difference. तो जो दोनों का time है, ring का time कितना है? रूट ऑफ 2 × L/A. Acceleration of ring कितना आया था? g sin theta upon 2. तो ये हो जाएगा ring का time minus disc 2L/A और disc का acceleration आया था 2g sin theta by 3. आ गया. इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 - √3/10. ठीक है, 2 - √3/10. कैलकुलेशंस काफी इजी हैं. जी की वैल्यू अगर जैसे यहां से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा. जी की वैल्यू √10 है. ये √10 भी शायद रूट पे था. यस, तो जी की वैल्यू √10 है, तो ये √10 और √10 भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, इफ यू सी इन द न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, √4 मतलब 2 और यहाँ पे √3, तो 2 - √3 × √L. ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में हमने √L कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में रूट साइन थीटा बचा हुआ है. ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 - √3. ये 2 - √3 भी कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो L की वैल्यू आ गई साइन थीटा. ठीक है, दैट मीन्स √3/2, क्योंकि थीटा 60 दिया गया था क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, नाउ इफ यू सी दिस इंक्लाइन प्लेन, ये L है, तो हाइट की वैल्यू हो जाएगी L sin 60, विच इज वॉट
our answer is right. So 3/4 0.75, which is what the answer is. 0.75 meters is the answer. Hai, theek hai? Ab, let's derive this result. Acceleration of center of mass g sin theta upon 1 plus I by mr square hota hai. Is result ko derive karte hai. Theek hai? तो कोई भी राउंड शेप बॉडी जो एक इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे जा रही है, तो वी रियलाइज कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी होता है, नॉर्मल रिएक्शन लगता है, एमजी लगता है. तो अगर अपन बॉटम पॉइंट जो कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखें. फॉर एग्जाम्पल अपन एक मैन अज्यूम करें, ये रेड मैन अगर इस पॉइंट पे खड़ा है और रेड मैन इस पॉइंट पे खड़ा होकर टॉर्क इक्वेशन लिख रहा है, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा. mg cos थीटा का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा. ठीक है, एक टॉर्क आएगी mg sin थीटा की इनटू r इज इक्वल्स टू i अल्फा. ठीक है, अब i अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, i है प्लस इस एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से i प्लस mr स्क्वायर बन जाएगा इनटू अल्फा. ठीक है, यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रेड मैन है ये एक एक्सेलरेटेड पॉइंट पे खड़ा है. ठीक है, इफ यू थिंक केयरफुली, जैसे मैं इस बॉडी को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये पॉइंट है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. इफ यू थिंक केयरफुली तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेन जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो है, मतलब इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में जीरो है, इस तरफ जीरो है. लेकिन इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन इस तरफ जीरो नहीं है, मतलब टाइम जीरो पे तो मान लो भी लो जीरो है, बट आफ्टर अ वाइल जीरो नहीं होता है. ठीक है, जब ये ओमेगा आ जाएगा बॉडी के पास, तो उस समय इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होगा सेंटर की तरफ. कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर. तो आइडियली जब हम किसी एक्सेलरेटेड पॉइंट पे खड़े होके टॉर्क के इक्वेशन लिखते हैं, तो स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क लेना चाहिए. ठीक है, बट अपन अगर ध्यान से इस पर्टिकुलर केस में सोचे, तो जब मैं इस रेड मैन से बोलूंगा कि स्यूडो फोर्स का टॉर्क लगाओ, तो स्यूडो फोर्स कैसे पास होती है, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड सेंटर ऑफ मास से पास होती है. तो ये जो रेड मैन है वो स्यूडो फोर्स ऐसे लगाएगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है, तो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द प्लेन आएगी एंड सेंटर ऑफ मास से पास होगी. तो ये देखो स्यूडो फोर्स कैसे गई, ऐसे चली गई. ठीक है, तो ये रेड मैन स्यूडो फोर्स ऐसे लगाएगा, तो ये खुद स्यूडो फोर्स इसी पॉइंट से पास हो गई. तो रेड मैन जब स्यूडो फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट लिखेगा, क्योंकि रेड मैन इज राइटिंग द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, तो रेड मैन जब स्यूडो फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट लिखेगा तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स यहीं से ही पास हो गया है. हेंस इन दिस केस स्यूडो फोर्स का टॉर्क इज जीरो, बट माइंड यू दिस विल नॉट ऑलवेज हैपन. ठीक है, सो इन दिस केस जब ये ICOR बनता है और प्योर रोलिंग हो रही होती है, तो स्यूडो फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जीरो आ जाएगा. हेंस वी कैन से यहां से अल्फा की वैल्यू ये लिखी जा सकती है. अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई एम जी साइन थीटा इंटू आर डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर यूजिंग द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर कैन बी रिटन एज आर अल्फा, which means mg sin theta into r square upon i plus mr square. Now you can see कि अगर मैं mr square ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल कर दूं, तो न्यूमरेटर में g sin theta बच रहा है और डिनोमिनेटर में i by mr square plus 1 बच रहा है. इट्स अ गुड रिजल्ट टू रिमेंबर. दिस इज ट्रू ऑफ कोर्स फॉर एनी बॉडी विच इज स्फीयर, सिलेंडर, डिस्क, रिंग. ठीक है, अज्यूमिंग प्योर रोलिंग. ठीक है, प्योर रोलिंग हो रही है. ठीक है, तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन. थैंक यू.